खबर मुंबई से सटे ठाणे की भिवंडी से, जहां एक कार सड़क हादसे के शिकार हो गई और हादसे के बाद कार सवार भाग निकले। लोगों को शक हुआ कि गाड़ी का इस्तेमाल किसी गैर कानूनी काम के लिए तो नहीं हो रहा था, और जब उन्होंने कार के अंदर देखा तो सबके होश उड़ गए। हादसे के शिकार इस कार के पास भीड़ लगी है। लोग पता करना चाहते हैं कार के अंदर क्या है, लेकिन तभी कार के अंदर कुछ ऐसा दिखा कि सबके होश उड़ गए। कार के अंदर एक गाय की सींग नजर आ रही थी। लोग हैरान रह गए कि कार के अंदर गाय को कैसे भरा जा सकता है। लेकिन जब कार की सीट हटाई गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन गायों को ठूसा गया था। हैरानी की बात यह है कि जिस कार में पीछे की सीट पर बमुश्किल तीन इंसानों के बैठने की जगह होती है, वहां इतने भारी भरकम और बड़े बेजुबान पशुओं को भरा गया था। इस काली गाय को कार के पीछे वाली सीट हटाकर रखा गया था। वहीं दो गायों को तो पिछली सीट और डिग्गी के बीच वाली जगह में ठूंस दिया गया था। कार के अंदर गायों को ठूंस कर भरा गया था, जिसकी वजह से उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। दरअसल 26 मार्च को सुबह 7 बजे इस कार का एक्सीडेंट हुआ। हादसे के दौरान कार में दो लोग सवार थे, जो गाड़ी की टक्कर लगते ही फरार हो गए। बाद में कार के अंदर तीन गाय मिली। आशंका है कि इन्हें स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी के मालिक से पूछताछ की है और कोनगांव थाने में मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। कार से निकालकर गायों को फिलहाल आनगांव गौशाला में रखा गया है। पुलिस अब गो तस्करों की तलाश में है। इकबाल ममदानी, इंडिया टीवी, भिवंडी।